Hey guys, I welcome you all to StudyIQ, Chinese language, yes, को आप Mandarin भी कह सकते हैं, Mandarin को compulsory बना दिया गया है नेपाल में. ये बहुत बड़ी बात है, this is a huge development, ये China के लिए बहुत ही बड़ी cultural जीत है. इसका impact region पे क्या होगा, India को ये किस तरीके से perceive करना चाहिए, ये हम discuss करेंगे इस video में. So without a doubt, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप UPSC 2020 की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे विद StudyIQ's pen drive courses, जिन्हें आप खरीद सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप हमारे नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. तो रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है नेपाल में. 90% से ज़्यादा स्कूल्स ने मैंड्रिन पढ़ाना कंपल्सरी कर दिया है, ना सिर्फ उनके सरकारी स्कूलों में, ये प्राइवेट स्कूल्स में भी लार्ज स्केल पर हो रहा है. इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है नेपाल पर, क्योंकि जब एक देश, फॉर एग्जांपल चाइना इस केस में, अपनी भाषा दूसरी कंट्रीज़ में फैलाता है तो उसको कहा जाता है कल्चरल कॉलोनाइजेशन. इससे बेसिकली क्या होगा, कल को मान लीजिए आज से 10 या 15 साल बाद नेपाल में मैंड्रिन एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है तो बहुत सी चाइनीज़ कंपनीज अट्रैक्टेड होंगी टुवर्ड्स नेपाल. वो नेपाल में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, ये नेपाल में बिज़नेस करना उनके लिए काफ़ी आसान होगा, और नेपाल कल्चरली भी इंडिया से दूर होकर चाइना के ज़रा करीब आ जाएगा. अभी के लिए नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, हालांकि नेपाली एक अलग लैंग्वेज है, वो लिखते देवनागरी लिपि में ही है, और हिंदी से काफ़ी सिमिलरिटी भी आपको मिलेगी नेपाली में. मैंड्रिन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लैंग्वेज है. तो अगर ऐसा होता है जो सामने लग रहा है कि बिल्कुल होने ही वाला है आने वाले एक दो दशकों में, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा. अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि नेपाल जैसा देश जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, वो मैंड्रिन किस तरीके से अपने लोगों को सिखाएंगे. इसमें पैसा लगेगा, इसमें रिसोर्सेज लगेंगे, मैंड्रिन सिखाने वाले टीचर्स कहाँ से आएंगे. देखिए, इस सब की जिम्मेदारी उठा रखी है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने. चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नेपाल को ये ऑफ़र दिया है कि आप लोग बस टीचर की एकोमोडेशन, मतलब कि टीचर कहाँ पर रहेंगे और उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी हाई क्लास टीचर्स की सैलरी सीधा चाइनीज़ गवर्नमेंट देगी. और चाइना चाहता है कि नेपाल में मैंड्रिन आने वाले एक या दो दशक में बहुत ही तेज़ी से फैल जाए. तो जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए ये एक बहुत ज़रा ख़राब बात है. आप अगर पिछले एक दशक में देखो तो चाइना ने इंडिया के आसपास की कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बहुत ज़रा कोशिश करी है, चाहे वो मालदीव्स हो, वहाँ पे तो अब्दुल्ला यमीन आ गए थे. वो मैंने आपको काफ़ी बार वेरियस वीडियोस में कहानी बता रखी है कि अब्दुल्ला यमीन ने किस तरीके से काफ़ी प्रो चाइना स्टांस ले लिया था, मगर किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को अपने इन्फ्लुएंस में आज भी रखा हुआ है, चाहे उसके लिए हमको बिलियंस भी क्यों ना खर्च करने पड़े. उसके अलावा आप अगर भूटान में देखोगे तो इंडियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़रा था, तो चाइना यहाँ पे ज़रा कुछ कर नहीं पाया. बांग्लादेश में ऑफकोर्स चाइना ने कुछ अपने रिलेशंस इंप्रूव किए, बांग्लादेश को काफ़ी लोन भी दिए, मगर सिंस बांग्लादेश काफ़ी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है और चाइना के साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर करता नहीं है, तो बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट हुआ नहीं है इस वक्त चाइना पर. पाकिस्तान आप देखो तो पाकिस्तान तो एक गॉन केस है बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. आने वाले एक से दो दशकों में आप देखोगे कि पाकिस्तान की धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. ये मैं नहीं कह रहा, वेरियस यूरोपियन फाउंडेशंस, अमेरिकन स्टडीज़ अपने रिसर्च पेपर के थ्रू बता चुकी हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक रिसर्च पेपर है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ का, ये एम्स्टरडैम बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 2018 के अंत में, और वहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन होगी बाय चाइना थ्रू सीपैक, क्योंकि ऑलरेडी जो आप नेपाल में देख रहे हैं वो पाकिस्तान में भी हो रहा है. हालांकि पाकिस्तान में चाइना ने टीचर्स को फंड करना स्टार्ट नहीं किया है, वहाँ पर यंग पाकिस्तानीज अपने आप ही मैंड्रिन सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है करियर में अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो मैंड्रिन सीखना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. फिर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे हम्बन टोटा पोर्ट का इशू है ही. रिसेंटली कोलंबो पोर्ट में भी चाइना ने काफ़ी तक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है. मैं कहूँगा इंडिया आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहा है श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए. फिर मैं कहूँगा सबसे सैड केस आज के टाइम में दिख रहा है नेपाल का. सबसे करीबी कंट्री था इंडिया का, और जिस तरीके से इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिस तरीके से ये लोग चाइना से लोन्स ले रहे हैं और अपने बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनीज़ को दे रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लग रहा है कि नेपाल आज के टाइम में चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है. इसका एग्जाम्पल रिसेंटली हमको दिखा था जब हमारे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इंडियन गवर्नमेंट ने बिम्स्टेक कंट्रीज़ को बुलाया और सार्क कंट्रीज़ को नहीं बुलाया, तो उस वक्त नेपाल के एनवॉय की तरफ से, उनके डिप्लोमेट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि इंडिया पाकिस्तान को सार्क वापस जिंदा करना होगा, बिम्स्टेक कभी भी सार्क की जगह नहीं ले सकता,
इवन दो इंडिया कोशिश कर रहा है कि सार को यूज़ ना किया जाए क्योंकि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा कम है, बिमस्टेक को प्रमोट किया जाए, मगर नेपाल बींग अ बिमस्टेक कंट्री उन्होंने भी ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी। तो फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक डिप्रेसिंग सिनेरियो है। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ही चाइना का आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा, और जो नेपाल में रीसेंट मूव चाइना ने चला है कि यहाँ पर टीचर्स की भी फंडिंग वो करेंगे, बस मैंड्रिन नेपाल में जल्द से जल्द फैलनी चाहिए, इससे इंडिया को इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। इंडो नेपाल रिलेशन जो हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक अंडरमाइन होंगे। नाउ मैंड्रिन को आप अगर देखोगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 दशकों में पहले तो अपने कंट्री में सिस्टमैटिकली प्रमोट किया, वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनका प्रमोशन बहुत ज़्यादा कम हुआ, काफ़ी जगह उनको सप्रेस किया गया, बच्चों को ऑलमोस्ट फोर्सफुली मैंड्रिन सिखाई गई, उससे चाइना में यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। फिर जब एक पूरा देश एक लैंग्वेज के पीछे आ गया तो उस लैंग्वेज को उन्होंने दुनिया भर में प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम में आप इंग्लिश देखोगे तो जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, जो कहते हैं कि इंग्लिश उनकी पहली भाषा है, उनकी संख्या है 380 मिलियन। हालांकि मैंड्रिन को आप अगर देखोगे तो जो लोग कहते हैं कि मैंड्रिन उनकी पहली भाषा है उनकी संख्या है 917 मिलियन। हालांकि इंडियंस की वजह से पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, वेरियस और कंट्रीज़ हैं जो फॉर्मर कॉलोनीज थी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, तो उनकी वजह से इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर्स करीब 750 मिलियन और जुड़ जाते हैं। उसकी वजह से काफ़ी बार कहा जाता है कि इंग्लिश के सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन दो ज़्यादातर स्पीकर्स ये मानते हैं कि इंग्लिश उनकी सेकेंड लैंग्वेज है और वो इंग्लिश में इतने ज़्यादा फ्लुएंट भी नहीं होते। तो चाइना के केस में जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पूरे चाइना में मैंड्रिन एक्सेप्ट कर ली गई बाय द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उसके बाद इन्होंने इसको दुनिया भर में प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की ऑलरेडी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंड्रिन, अलॉन्ग विद अरबिक, इंग्लिश, स्पैनिश, फ्रेंच, रशियन। इंडिया की प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, हमारे यहाँ बहुत सी स्टेट्स हैं वो हिंदी को आज के टाइम में भी कंपल्सरी लैंग्वेज बनाना नहीं चाहती, वो उसको रिजेक्ट करती हैं। तो जब इंडिया में ही हम हिंदी को प्रॉपरली नहीं फैला पाए तो हम यूएन में किस तरीके से जाके कह सकते हैं कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। जब हम ऐसे प्रपोजल लेके आते हैं तो तमिलनाडु, केरल, वेरियस और जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ से जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हिंदी फोर्सफुली फैलाई जाएगी। तो इंडिया में एक प्रॉब्लम काफ़ी हद तक है, और आप देखेंगे ऐसे आर्टिकल्स भी काफ़ी बार आते हैं कि एक नीडलेस परस्यूट है हिंदी को यूएन में लाने की। वेरैज आप चाइनीज़ स्ट्रैटेजी देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्लान्ड है, उनके लोग उनके पीछे हैं और उनको पता है कि फ्यूचर में उनको करना क्या है। ना सिर्फ अफ्रीका में, एक्चुअली देखो चाइना ने दुनिया भर में अपना कल्चर और अपनी भाषा फैलाने के लिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोल दिए हैं। कन्फ्यूशियस ऑफ कोर्स बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे चाइना में सेंचुरीज अगो, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स खोल दिए हैं। यहाँ पर ये चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पर, हाई क्वालिटी टीचर्स होती हैं, अंदर जो क्लासरूम्स होते हैं बहुत ज़्यादा साफ, बहुत ज़्यादा हाईटेक होते हैं। सारा खर्चा चाइनीज़ गवर्नमेंट उठाती है ताकि चाइनीज़ एज ए लैंग्वेज, मैंड्रिन एज ए लैंग्वेज पूरी दुनिया में फैल पाए। ऑलरेडी अफ्रीका में हम देख रहे हैं कि मैंड्रिन की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो चुकी है, बहुत से अफ्रीकन्स एस्पेशली आप कहेंगे साउथ सूडान और एरिथ्रिया, इथियोपिया, वहाँ पर वो मैंड्रिन सीख रहे हैं। और एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 2030-40 तक अफ्रीका में करीब 20-25% लोग मैंड्रिन को अपनी सेकेंड लैंग्वेज भी कहेंगे। तो यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि फिर इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि अपनी लैंग्वेज का प्रमोशन तो खैर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा क्योंकि इंडिया में ही हिंदी को लेकर एक कंसेंसस डेवलप हुआ नहीं है, बहुत सी स्टेट्स हिंदी के भी अगेंस्ट है। इंडिया और तरीके से अब ये अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ही धीरे धीरे फैला रहा है, प्राइमरली क्योंकि इंडिया जो भी प्रोजेक्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में शुरू करता है वो बहुत ही रेयरली टाइम पे ख़त्म होते हैं। रिसेंटली एस जयशंकर जी का एक इंटरव्यू अपलोड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर, ये था 7th ग्रोथ नेट समिट। यहाँ पे जयशंकर जी से पूछा गया, जयशंकर जी बाय द वे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं आज के टाइम में, इनसे पूछा गया कि इंडिया जो प्रोजेक्ट्स बाकी कंट्रीज़ में, नेपाल में, म्यांमार में जो आगे बढ़ा रहा है क्या वो टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी डिलेड हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत ही बड़ा इशू है। कंट्रीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वो वादा करते हैं वो काफ़ी बार 5-6 साल या इवन 10 ईयर्स तक डिले हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा इंडिया की पहली प्रायोरिटी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम आज के टाइम में शुरू कर रहे हैं उनको हम टाइमली कम्प्लीट करें। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना इंडिया के लिए फॉर द टाइम बींग काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है।
सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का. उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.